बड़ी भारी हवा चली इत्थे तां ठंड हो जाना है। सहो माता रानी अगले साल फिर बुलावा दे भेजो ताकि सारा परिवार विद फैमिली तुहाडे दर्शन करी आए जी। सच्चे जोता वाली माता तुहाडी सदा ही जय। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वैष्णो माँ के तीनों पिंडियों के दर्शन के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर डांस करते करते हम चले आते हैं गर्भ जोन की तरफ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम पहुंचते हैं इस स्थान पर जहां से हमें बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं, और ये पहाड़ पीर पंजाल के हैं क्योंकि यहां बोर्ड पे भी लिखा हुआ था जो हम यहां से देख रहे हैं। तो बड़े पर चमके रहे, ये दिल खुश हो गया, दिखेगी दिल कराए थे बे रही है थोड़ी देर। चाय पीते हैं हम यहाँ, और हाँ हेलीपैड का नज़ारा भी दिखाते हैं आपको। देखिए व्यू सांझी छत का, यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है, बड़ा ही शायद लगा। भेजो कोई हेलीकॉप्टर साढ़े ताई भी साथी ले जाओ, इतों मिलो जल्दी पुजिए जाइए थला। थोड़ी देर वीडियो कैप्चर करने के बाद हम चले आते हैं सांझी छत की तरफ, अब वहां जाकर ही रेस्ट करेंगे। चलो भक्तो, ये भक्तों ने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सांझी छत में। ग्यारह बज रहे हैं।
प्रसाद खाने के बाद हम पौड़ियों वाला रास्ता चुनते हैं, शॉर्टकट वाला, और फिर अपने अपने स्टाइल में सभी पौड़ियों करते हैं। हर एक का अपना अपना स्टाइल था नीचे आने का, क्योंकि टांगे थक चुकी थी और कुछ कसूतरियां मार रहे थे और कुछ लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे। पीछे और यहाँ पर एक ओपन ब्यूटी पार्लर भी है, जहाँ से आप फ्री में नेचुरल तरीके से टेडुकर मैनुकर करवा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फ्री में वाईफाई दिया जाएगा। ये सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम पहुँच जाते हैं अर्धकुंवारी में, और यहाँ सबसे पहला हमारा काम होता है कि चेक करना कि कौन से ग्रुप का नंबर चल रहा है अभी, और हमारा ग्रुप का नंबर अभी बहुत आगे था, 100 ग्रुप अभी पड़े हुए थे, उनके बाद हमारा नंबर आना था। बड़े भारी ग्रुप बनवा जी हल्ला नहीं आता नंबर साढ़ा, तो पलने जाओ कुछ बोने ताई रेस्ट करने हैं, दिखने हिसाब किताब भगती कर लें उन्नी देर। जय माता दी। हमारे साथ जो छोटा भक्त जा रहा था उसका कल पेपर है, तो हमारा आज यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम खाना खाते हैं और फिर एंट्री गेट के पास पता करते हैं, तो वो बताते हैं कि आपके ग्रुप का नंबर रात के 10 बजे के बाद ही आ सकता है, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। फिर हम गर्भजून गुफा वाले मंदिर में जाते हैं और वहाँ गुफा के दर्शन करते हैं, और प्रसाद लेने के बाद माता रानी से कहते हैं कि अगली बार हम ज़रूर इस गुफा को क्रॉस करेंगे। तो इतना कहने के बाद हम माथा टेकते हैं और फिर चले आते हैं नीचे कटरा की ओर। जय माता दी। हेलो ढोल बजता ही दिल पौंदा कर नचने का, अपने आप ही लत्त लगे चुकानी है, बड़ी मुश्किल संभालनी पड़नी है, लत्तां भी लगता इंदियां भी थक गई हैं, थल रेस्ट करानी पौनी है, इंदी मसाज करानी पौनी है कितने जाइए। चलो दिखने अगे कोई दुकान। लो भाई आ गए असि मसाज वाली दुकान पर, कराने हूँ इंदी मसाज बार बार। सब तो बड़ा मरीज है उसी पढ़ाओ पहले, आ जाओ आ जाओ, बड़ा मरीज आया पहले, आइए आइए मसाज करवाते हैं। वो चलती है ये तो है ही नहीं, तो मेरिया ठीक है ना, नेक्स्ट समय के नहीं ज़्यादा रहा। वरुण कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ਉੱਚਾ ਹੋ ਲਓ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
बड़ा भारी मजा आया इधर तो। दिल करा से कुर्सी करे लीजिए चुकी के। बड़े परेशान अंदर हूँ मत ठाल देवी जी कोई भी। तो 15 मिनट के बाद जो हमने रिचार्ज करवाया था कुर्सी पर बैठने का वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं बाणगंगा में। यहाँ से हम पीछे मुड़ के त्रिकुटा पर्वत की ओर देखते हैं और मन ही मन कामना करते हैं माता रानी से अगली बार आने के लिए। जय माता दी। इसके बाद हम ऑटो लेते हैं और कटरा के लिए चल पड़ते हैं। कटरा पहुंचने के बाद हम यहाँ थोड़ी शॉपिंग करते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह घर को लेने के लिए और फिर हम कैब बुक करते हैं जम्मू जाने के लिए क्योंकि वहाँ सिस्टर रहती है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 8 बजने वाले हैं तो निकलते हैं यहाँ से। आगे जाके फिर ढाबे पे रुक के हम खाना वगैरह खाते हैं। करीब 1/2 घंटा चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं इस लोकेशन पे, इस रेस्टोरेंट में। और इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ा आया हमें खाने का। खाना खाने के बाद हम चल पड़ते हैं सिस्टर के घर। आज वहीं रुकेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे घर के लिए जो है हिमाचल प्रदेश के नूरपुर सिटी में। रात को हम पहुंचते हैं सिस्टर के घर और फिर सो जाते हैं। पता भी नहीं चलता कब नींद आ जाती, इतनी थकान हो चुकी थी। और फिर सुबह उठ के हम उनको टाटा बाय बाय करते हैं और फिर ई रिक्शा लेके हम पहुंच जाते हैं जम्मू बस स्टैंड पे और वहां से बस लेके हम चले जाते हैं घर। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय माता दी।